जानी अनजानी कुछ महिलाएं इम्प्लांटेशन के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उनका मिसकैरेज हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप पीरियड के 20वें दिन से इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, और जैसे पीरियड मिस हो जाता है, डेट आपकी मिस हो जाती है, उसके बाद भी आपको 3 महीने तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला है कि आपको पपीता या अनानास, पपाया या पाइनएप्पल, इन दोनों का सेवन आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग पाइनएप्पल का जूस वगैरह भी पीते हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इम्प्लांटेशन के समय यानी कि पीरियड के 20वें दिन से आपको इसको नहीं लेना है। और उसके अलावा दूसरा है कि पीरियड के 18वें-20वें दिन से आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में सीढ़ियाँ अक्सर लोग कहीं कपड़ा फैलाने गए हैं या कोई काम पड़ा, या अगर आप सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, आप बार बार नीचे आपको जाना पड़ता है, कुछ इस तरह से है, तो आप उन दिनों में सीढ़ियाँ अगर उतरती हैं तो बहुत धीरे धीरे चढ़ें उतरें। वैसे नॉर्मल जो एक लाइफ होती है, आदत पड़ जाती है बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की, तो पीरियड के 20वें दिन से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं है। और उसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गर्म चीज़ जो बहुत गर्म होती है उसको नहीं लेना है, जैसे कि अंडा है या कोई ऐसा आप काढ़ा वगैरह ले रही हैं, कोई ऐसा पानी या कोई ऐसी चाय पी रही हैं, जैसे कि मैं तमाम वीडियो में बताती हूँ कि अजवाइन का पानी, दालचीनी की चाय, अदरक की चाय, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं होम रेमेडी बताती हूँ। लेकिन अगर आप प्लान कर रही हैं तो आपको पीरियड के 20वें दिन से आपको ये सभी चीज़ें बंद कर देनी है। इम्प्लांटेशन के समय बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेने से भी कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीरियड के 20वें दिन के बाद से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वही एक्सरसाइज बहुत हल्की फुल्की करनी है। योगा आपको ऐसा करना है जिससे आपके पेट पे बहुत ज़्यादा खिंचाव या दबाव ना पड़े, तो दोनों चीज़ में चाहे योगा कर रही हो चाहे आप एक्सरसाइज कर रही हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव या दबाव ना पड़े, इस तरह की एक्सरसाइज आप करें। अगर आप वॉकिंग करती हैं तो बहुत तेज़ी में ना दौड़े, हल्की हल्की वॉकिंग करें। और उसके अलावा एक चीज़ है स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और इस वजह से भी कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।